जहाँ एक समय था जब हम कृषि के अंदर आयात किया करते थे, कई ऐसे हमारे उत्पादन थे जहाँ देश दूसरे देशों के ऊपर निर्भर था, लेकिन आज जैसा कि हम सब देख रहे हैं कई ऐसे उत्पादन हैं जिनके अंदर हम आत्मनिर्भर बने और उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। तो ऐसे के अंदर हमारे देश के साइंटिस्टों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, साथ ही हमारे किसानों की मेहनत और उनके पसीने का बहुत बड़ा योगदान रहा, और साथ ही आप जैसे समाज सेवी जो किसानों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसकी वजह से आज कृषि के अंदर हम तिलहन को और उसको छोड़ दें तो बाकी सभी फसलों के अंदर हम आत्मनिर्भर निश्चित रूप से बन चुके हैं। और ऐसे समय में अब विषय ये आता है कि उत्पादन में वृद्धि हुई लेकिन किसान को उसका बेनिफिट कैसे मिले, इस बात को लेकर सरकार निश्चित रूप से प्रयास कर रही है कि सरकार ने मुख्य रूप से किसान को इनकम डबल करना लक्ष्य लेके चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी रूप के अंदर किसान की इनकम डबल हो 2022 तक, ये लक्ष्य लेकर सरकार काम कर रही है। और सरकार की मंशा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होती है तभी काम आगे बढ़ता है। और आपने देखा होगा कि कोरोना का ये समय है और इस कोरोना के टाइम के अंदर भी जैसा कि सरकार निरंतर प्रयास कर रही है किसानों की, और पिछली बार भी जब कोरोना का संकट था उस समय पूरे देश में लॉकडाउन था, फिर भी सरकार ने किसानों के लिए उस समय भी काम किया और समय पर एडवाइजरी जारी करना, किसानों की फसल काटने के लिए मजदूरों में छूट देना, मशीनरीज की दूसरी स्थान से लाने ले जाने की छूट देना, समय पर खरीद करना, और इन सब की वजह से किसानों की इन जो उत्पादन था उसमें भी वृद्धि हुई थी। तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से सरकार जब दृढ़ संकल्प लेती है तभी वो काम आगे बढ़ता है। और इसी दृष्टि से जो मोदी जी की सरकार है उन्होंने जिस तरह से इनकम डबल करने के लिए जो महत्वपूर्ण पिलर जिस तरह से तैयार किए हैं, उन पिलर्स के अंदर सबसे पहले तो लागत को कैसे किसान की कम करें। हम किसान की एक तरफ लागत कम करके भी हम किसान की इनकम बढ़ा सकते हैं, तो लागत कैसे कम हो इसके ऊपर सरकार की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि उसमें चाहे वो जैविक खेती को लेके हो या अन्य अन्य तरीके से उनको इक्विपमेंट के साधनों की व्यवस्था करना हो या उसको उनको सब्सिडी का विषय हो, ये सारी चीजें लेकर जिस तरह से किसान को ऐसे उपकरणों की व्यवस्था हो जिससे कि किसान को उससे कम लागत कम हो, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। दूसरा है कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना, किसान के लिए उत्पादन किस तरह से वृद्धि हो इसके लिए साइंटिस्ट है वो निरंतर प्रयास करते हैं कि नई नई वैरायटी हो जिसके अंदर ऐसी वैरायटी हो कि उससे किसान उसी समय के अंदर उसकी उत्पादन में वृद्धि कर सके। तो कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना उसके ऊपर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पर फार्म मशीनरीकरण का अगर बात करें तो नई टेक्नोलॉजी की खेती होगी, इसके ऊपर नए साधन नई मशीनरीज होगी तो उससे किसान समय पर फसल को काट के और उसकी तुरंत बुआई कर सके, इस दृष्टि से भी मशीनों का विभाग के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। दूसरा जोखिम में कैसे कमी हो, तो जोखिम में कमी करने के लिए भी विषय है, तो आज चाहे उसके लिए फसल बीमा योजना है तो उसके अंदर किसान ये फसल बीमा योजना है या अन्य तरह से कई ऐसी योजनाएं भी प्रारंभ की गई है कि किसान को अगर कोई आपदा भी आ जाए तो उस समय भी किसान को सुविधा हो, इस दृष्टि से सरकार काम कर रही है। ऐसे समय के अंदर जब किसान की इनकम बढ़ाना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि किसान, मैं भी एक किसान हूँ, मैं स्वयं खेती करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड खेती का है और आज भी मैं स्वयं खेत में काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि किसान का दर्द क्या है, किसान की कमी क्या है और किसान को किस तरह से हम इनकम डबल कर सकते हैं, किसान के क्या कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया कि किसान जो फसल बोता है वो उसको उसका लाभ नहीं मिलता, तो वो इसके लिए सरकार ने जो एक अगर मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि आलू है जो किसान के घर से 5 रुपए और 7 रुपए किलो के अंदर निकलता है, वही आलू जाकर मार्केट के अंदर जब चिप्स बन जाता है तो चिप्स बनने के बाद वही 300 से 400 रुपए किलो हो जाता है। ऐसे ही अगर जीरे की बात करें तो घर से किसान के घर से 0 1 किलो निकलता है लेकिन उसी से जीरा जीरी जूस बनता है, जीरी जो
जीरे से बनने वाला जूस है, या फसल फल है कोई भी उससे बनने वाले जूस है, ऐसे कई प्रोडक्ट हैं, चाहे वो बिस्किट से लेकर अन्य चीजें हैं, जो किसान के घर से जब निकलता है उस समय उसकी रेट होती है बहुत कम, लेकिन वही जब फसल किसान के घर से जाकर मार्केट में जब वो प्रोसेसिंग होके जब आ जाती है तो उसकी रेट 4 से 10 गुना हो जाती है। तो इसका लाभ किसान को कैसे मिले, तो इस दृष्टि से 10,000 FPO बनाने का जो लक्ष्य लिया है, ये 10,000 FPO जब धरातल पर आ जाएंगे तो इसके लिए सरकार ने, मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से किसान है उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और इसके लिए सरकार ने जो 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य लिया है, ये लक्ष्य निश्चित रूप से हमें 2024 तक इसको पूरा करना है। इसके लिए सरकार की तरफ से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।